Assalamualaikum. So this is your Hubdar Ali, English language teacher, and today I bring you for interesting topic tongue twister. So आज मैंने आपके लिए tongue twister जो है topic लाया है. बहुत सारे students और friends मेरे जिन्होंने बोला कि सर हम अपने English को कैसे fast करें, तो एक मैं आपको बात बता दूँ कि English को fast करने के लिए ये एक बेहतरीन और अच्छा तरीका है, क्योंकि हम अगर tongue twister को जो है हम पढ़ेंगे तो हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी. तो टंग ट्विस्टर की मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, आसान और इजी है. टंग ट्विस्टर की मीनिंग है, टंग मीन्स जबान और ट्विस्टर मीन्स जबान को मोगलना या जबान को हिलाना और जबान को चलाना, बहुत बोलना, फास्ट बोलना. ओके, तो पहले टंग ट्विस्टर की तरफ हम चलते हैं और आसान और ईजी है. पहले तो मैं जो है स्लो बोलूँगा फिर फास्ट बोलूँगा. डबल बबल गम बबल्स डबल, डबल बबल गम बबल्स डबल, डबल बबल गम बबल्स डबल. ओके, इसकी मीनिंग है एक बड़ा गुब्बारा है जिसको हमने फूक फूक कर और फूका और फट गया. ठीक है, यानी बहुत हमने उसको फूका तो वो फट गया. फटेगा तो लाजमी, क्योंकि एवरेज से हमने उनमें हवा भरी है. अब सेकंड जो है टंग ट्विस्टर की तरफ चलते हैं. आई आइसक्रीम, यू आइसक्रीम, वी आइसक्रीम, फॉर आइसक्रीम, आई आइसक्रीम, यू आइस क्रीम, वी आइस क्रीम, फॉर आइस क्रीम, आइस क्रीम, यू आइस क्रीम, वी आइस क्रीम, फॉर आइस क्रीम. आप भी आइसक्रीम के लिए रोते हो, यानी मैं भी आइसक्रीम के लिए रोता हूँ, आप भी आइसक्रीम के लिए रोते हो, हम सब आइसक्रीम के लिए रोते हैं. क्या करें, आइसक्रीम नहीं मिल रही है, बहुत गर्मी है. ये जो बच्चे हैं यूज़ करते हैं. द बिग फेट कैट सेट ऑन द रेट, द बिग फेट कैट सेट ऑन द रेट, द बिग फेट कैट sit on the rate, the big fat cat sat on the rate. इसकी मीनिंग है एक बड़ा, एक बड़ी सी जो बिल्ली है, मोटी सी है, वो बैठी एक रेट पे. रेट तो आपको पता होगा क्या है. ओके, और थर्ड है, थर्ड आसान है और थोड़ा सा लंबा भी है. A big black bug bited a big black dog on his big black nose. A big black bug bited a big black dog on his big black nose. A big black bug bited a big black dog on his big black nose. A big black bug bited a big black dog on his big black nose. एक बड़ा सा कॉकरोच जिसने एक काले कुत्ते को उसके काले नाक पे काट दिया, यानी लंबा नाक था उसको काट दिया. ओके, और लास्ट जो हमारा है वो है शी सेल्स सी शोर ऑन सी शोर, शी सेल्स सी शेल्स ऑन सी शोर, सी शेल. ओ, आगे बढ़ता हूँ. शी सेल्स सी शेल्स ऑन सी शोर, जैसे कि ये टंग ट्विस्टर है इसको ध्यान से पढ़ना होगा. शी सेल्स सी शेल्स ऑन सी शोर, शी सेल्स सी शेल्स ऑन सी शोर, शी सेल्स सी शेल्स ऑन सी शोर. दोस्तों ये जो टंग ट्विस्टर लास्ट था इसकी मीनिंग मैं बता दूँ, वो सेल करती है यानी बेचती है सिप्पी जो दरिया के किनारे होते हैं, दरिया के साहिल पे होते हैं. ओके, बंडल ऑफ थैंक्स. अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी और इंटरेस्टिंग लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये टंग ट्विस्टर हैं, इनको आप नोट कर लो, लाइफ में आपको काम आ जाएंगे और आपकी इंग्लिश जो है फास्ट टू फास्ट हो जाएगी. ओके, अल्लाह हाफिज़. और आपको तो पता है इसको सब्सक्राइब कर देना. ओके.